चलिए अब खबरें विस्तार से। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप को बंद करने के बाद मौलाना यासूब अब्बास ने केंद्र सरकार के और इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि पिछले 5 साल से जो है 5 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ दिया गया था, अब इसे बंद करके कहीं ना कहीं छात्रों को आहत करना है। हम केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस फैसले को बदला जाए। मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। इस फैसले के हमारे साथ मौजूद हैं यासूब अब्बास जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से ये फैसला अच्छा फैसला नहीं है और मैं सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो स्कॉलरशिप है वो ज़रूर सरकार दे दे, इसलिए कि एक स्कॉलरशिप से बच्चों के अंदर एक जान आती है, एक ऊर्जा आती है। मैं कितनी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके बच्चे स्कॉलरशिप पर पढ़े हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं तो हम स्कॉलरशिप क्यों दें, हम मिड डे मील दे रहे हैं तो हम स्कॉलरशिप क्यों दें, तो सवाल ये, आप शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, अगर बड़ा अपने बच्चे को कुछ देता है तो उसके ऊपर एहसान करके नहीं देता है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये सब आप ही के बच्चे हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप प्रदेश के मंत्री हैं और ये सब आपकी ही बच्चे हैं, तो अगर से इनको स्कॉलरशिप मिलेगा तो ये आपके नाम को उम्मीद है कि रोशन करेंगे। पिछले साल 5 लाख अधिक जो छात्र थे उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिला था, इस बार इसे बंद किया जा रहा है, कितना आहत होंगे छात्र? देखिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और मैं तो वकालत करता हूँ कि और जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, मैं तो उनकी वकालत करता हूँ। यह है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, ये तो वो वाली पॉलिसी है और ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। लिहाजा जिन बच्चों को नहीं मिल रही, मैं तो उनकी भी वकालत कर रहा हूँ, पहले दिन से उनकी वकालत कर रहा हूँ कि उनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तौर पर यासूब अब्बास जी का कहना था कि पिछले साल जिस तरीके से 5 लाख से अधिक छात्राओं को स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन इस बार इसे बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं छात्र इससे आहत हो गए, जिसको लेकर हम सरकार से इस मुद्दे पर बात करेंगे और स्कॉलरशिप को फिर से न चालू करने के लिए निवेदन करेंगे। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।